हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ घातांक तथा करणी चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 2 लेकर। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान देकर समझते रहिए। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, तो दोस्तों पिछली वीडियो के आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, वैसे पूरा मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया हुआ है 23वां क्वेश्चन। यदि 5√5 × 5³ भाग 5³-3/2 बराबर 5⁻A+2, तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अगर मैं इस 5√5 × 5³ को ऐसे लिख दूँ, जब भाग में दिया हुआ है दोस्तों 5⁻³, ठीक है, नहीं तो बराबर 5⁻A+2, ठीक है नहीं दोस्तों। तो चलिएगा, अब हम इसको देखिएगा करते हैं आगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा 5√5 तो ये हो ही गया दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आपको कैसे करना है। तो दोस्तों देखिएगा, हम इनके सभी घात अलग कर लेते हैं। 5⁻¹ × 5⁻¹² और गुणा 5³ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या दिया हुआ है, 5⁻³² ठीक है, बराबर कितना है 5⁻A+2। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। दोस्तों ये क्या है, 5⁻¹ × 5⁻¹² और गुणा 5³ ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला 5 में है 5³-3/2, इसे ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, गुणा 5⁻¹ क्या हो जाएगी, +3/2। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना है, 5⁻A+2। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्या है, 5⁻ है, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो क्या कर देनी है हमको, गुणा में घाते जुड़ती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा 5⁻ क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1+1/2+3+3/2। ठीक है दोस्तों, गुणा में घाते जुड़ती है, जुड़ गई, बराबर कितना हो गया, 5⁻A+2। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैसे करना है आपको, 5 इन सबका एलसीएम ले दीजिए दोस्तों। देखिएगा कितना एलसीएम आया इसका, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 एलसीएम आ गया। और आप ऊपर कितना हो गया दोस्तों, टोटल हल करके देखोगे तो कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल आएगा यहाँ पर हल करके से कितना आएगा, 12। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कितना आया, 2 × 2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 1 है, जो कि 2 × 3 = 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, देखा 3 × 3 = 6 हो गया, 6 × 6 = 12। ठीक है, देखिएगा आप कितना दिया, 5⁻¹² ठीक है दोस्तों, मैं जानबूझ कर लूँ कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओ। इसे काटिएगा, कितना ऐसा काट डालो, 2 × 6 = 12 कितना होगा, 5⁻⁶ बराबर 5⁻A+2। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अगर हमारी घात बराबर तो हम, अगर हमारे आधार समान तो हमारी घात भी बराबर रख सकते हैं। कितना होगा, A+2 बराबर कितना होगा, 6, और यहाँ पे कितना होगा, ये बराबर कितना होगा दोस्तों, 4। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आओगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिएगा, हम लेकर आ गए आपके लिए 24वां क्वेश्चन, बड़ा ही मज़ेदार एंड चटपटा क्वेश्चन। देखिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, हम इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा ऊपर इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2⁻⁴ − 2 × 2⁻ⁿ / 2 × 2⁻ⁿ + 3 और यहाँ पर दिया है +2⁻⁴ बराबर ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या माना आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसकी घाते अलग लिख लीजिए दोस्तों, 2⁻⁴ − 2 हो ही बच्चे हो और 2⁻ⁿ। ठीक है, नीचे इसे भी अलग कर लीजिए, 2 × 2⁻ⁿ × 2³ बराबर कित, और यहाँ पे देखिएगा कितना दिया हुआ है वो दोस्तों, इसे देखिएगा ध्यान से, प्लस कितना है बच्चों, 2³-3। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं इसे कैसे होगा ये। ठीक है दोस्तों, ऊपर से क्या हुआ, 2⁻ⁿ कॉमन ले दीजिए, देखिएगा कितना बचा है, 2⁻⁴ कितना होता है दोस्तों बताइएगा, 2⁻⁴ कितना होता है, 16 होता है दोस्तों, 16 और माइनस कितना, 2⁻⁴ कितना बच गया, 2 यहाँ देखिएगा दोस्तों, बटा नीचे है 2⁻ⁿ है ही, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, 2⁻ⁿ × 2 वैसा है ये हमारा, और 2³। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैसे करना है आप लोगों को, प्लस इसे लिख सकते हैं हम 1/2, तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करिएगा। तो दोस्तों देखिएगा इसमें कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा है, 2⁻ⁿ से 2⁻ⁿ काट डालो, ऊपर क्या बचा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ये बचा ऊपर 14/ कितना होगा, 2³ कितना होता है, 8 और 2 = 16 +1/8 ये आ गया दोस्तों हमारा। अब इसको हल कर दीजिएगा गोली की रफ्तार से, देखिएगा दोस्तों 16 एलसीएम कितना आएगा ऊपर 14 और कितना होगा, और +2 देखिएगा कितना हो गया, 16/16 से 16 काट डालो, कट गया ना,
कितना है दोस्तों, 1। तो दोस्तों यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई इन्होंने 25वां। यदि √2n = 64 तब एन का मान ज्ञात किया। दोस्तों कर दीजिए गोली गिरफ्तार से, देखिएगा दोनों पक्षों का वर्क करने पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोनों पक्षों का वर्क करने पर देखिएगा क्या है यहाँ पर। रूट में 2n है, इसका वर्क कर डाला दोस्तों। मैं जानबूझ कर कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है देखिएगा दोस्तों क्या करना है, आपको पता है यहाँ से ध्यान से देखिएगा 2 की पावर इसे स्क्वायर से अंडर रूट काट डालो। कट गया दोस्तों, ये कटता तो है, देखिएगा अंडर रूट का मान 1/2 होता है और ये 2 होता है, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए कह देते हैं इसको, इसे कट गया। ठीक है दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एक एक बार समझा दी जाएगी। चलिएगा क्या हुआ है देखिएगा दोस्तों, 2 की पावर n = कितना हो गया 64, और इसे दोबारा लिख सकते हैं हम 64। ठीक है दोस्तों देखिएगा 2 की पावर n 64 कितना होता है दोस्तों, देखिएगा 2 की पावर 6, और यहाँ पर 6 ही है तो कितने गुना में घाता कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 12 हो जाएगी, मतलब 6 से 12। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों जब हमारा आधार समान तो घाती बराबर, तो n का मान कितना है दोस्तों 12। तो दोस्तों उम्मीद करूँ अच्छा समझ आया होगा, तो यही आपका आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा तो दोस्तों देखिएगा टाइम ना वेस्ट करते हुए 27वां क्वेश्चन। दोस्तों 26वां क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे 27वां इससे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, गुंजा डालोगे आप उसको। ठीक है दोस्तों उससे थोड़ा खतरनाक वाला देख लो, जो आपको खतरनाक लगेगा नहीं वाला दोस्तों कमेंट करके बताना, हम समझाएंगे। चलिएगा दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको देखते हैं कैसे हो गए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, जो है 9 की पावर n, देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2n लिख सकते हो ना। ठीक है दोस्तों देखिएगा आगे क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 2। ठीक है पर यहाँ पर देखिएगा ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है गुणा 3 की पावर -n/2 की पूरे के होल पावर -2 दी हुई है इन्होंने, माइनस यहाँ पर 27 दी है, 3 की पावर होती है, 3 की पावर 3n बोल सकते हैं हम इसे दोस्तों। चलिएगा नीचे कितनी दी, 3 की पावर 3m। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिएगा ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया देखने में, तो इसे एडजस्ट कर लें दोस्तों, 3 की पावर m × 2 की पावर 3। ठीक है और यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, बराबर 127। तो दोस्तों आपको क्या करना है, m - n का मान ज्ञात करना है। देखिएगा इसकी गोली बना दीजिए अब 2 मिनट में। चलिएगा दोस्तों करिएगा गोली गिरफ्तार से इसको, देखिएगा दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 2n। ठीक है दोस्तों और कितना होगा, 3 की पावर 2। ठीक है और देखिएगा दोस्तों 3 की पावर कितना हो गया, n/2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, गुणा 2 ये आ गया, -3 की पावर 3n जो का तो है ही। चलिएगा आगे देखते हैं दोस्तों नीचे क्या दिया हुआ है, देखिएगा दोस्तों 3 की पावर 3m। ठीक है और देखिएगा दोस्तों गुणा 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों बराबर ये कितना दिया हुआ है, इधर साइड में देख लीजिएगा ये दिया हुआ है इधर 1/27। ठीक है ये दिया हुआ है 1/27। ठीक है दोस्तों चलिएगा आगे देखते हैं इसको कैसे करते हैं सभी। ठीक है दोस्तों देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 काट डालो और कितना बचा, जितना बचा वो लिख दीजिए कितना आ गया। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों, देखिएगा यहाँ से ये कितना हो गया, 3 की पावर 2n और एक होगा 3 की पावर n, कितना हो गया 3 की पावर 3n गुणा 3 की पावर 2 और -3 की पावर 3n। ठीक है दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिए धीरे धीरे सब काट डालेंगे हम, 3 की पावर 3m गुणा 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों बराबर कितना हो गया, 1/27। तो चलिए दोस्तों करते रहिए इसको, बिल्कुल नहीं रुकने का, चलते रहिए दोस्तों। हमें कैसे करना है देखिएगा, अगर मैं 3 की पावर 3n ऊपर से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3 * 3 = 9 - 1 बच गया नहीं दोस्तों, देखिएगा और नीचे क्या बचा हुआ है, देखिएगा 3 की पावर 3m ये बचा हुआ है दोस्तों, आपको पता ही है 2 की पावर 3 यहाँ पर दिया हुआ ही है। ठीक है बराबर 1/27। ठीक है दोस्तों आपको पता है 9 में से 1 जाए कितने बचेंगे, 8, तो 2 की पावर 3 से 8 से 8 कट गया दोस्तों, देखिएगा 2 की पावर 3 भी 8 ही होता है, फिर एक लाइन बढ़ेगी वरना। चलेगा दोस्तों करते हैं इसे गोली गिरफ्तार से, देखिएगा कितना दिया ऊपर, 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3m बचा हुआ है दोस्तों। अगर हम 3 की पावर 3m को ऊपर ले जाइए तो कितना बचेगा, देखिएगा 3 की पावर 3n * 3 की पावर -3m बन जाएगा दोस्तों। ठीक है देख लिया होगा दोस्तों बराबर कितना बचा, इसको 27 है, 3 की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाओ 3 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों तो ऐसा करिएगा आगे गोली गिरफ्तार से, देखिएगा अगर मैं इसमें से गुणा में घाती क्या होती है, जुड़ती है, देखिएगा दोस्तों 3 कॉमन ले जाए तो कितना होगा, n माइनस
ओ गलत हो गया दोस्तों, एन माइनस एम, ठीक है दोस्तों, बराबर कितना हो गया 3 की पावर -3। ठीक है, जब आपको पता है इसका आधार समान है तो दोस्तों बात क्या हुई हमारी, बराबर। ठीक है, तो कितना हुआ देखिएगा, ध्यान से देखना दोस्तों, 3 की पावर n-m बराबर कितना हो गया, -3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं देखिएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे अभी, 3 से 3 काट डालो, एक बार कट गया, कितना हुआ n-m बराबर 1 आ गया हमारा फिलहाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, इन्होंने पूछा है m-n का मान क्या होगा वो बताना, तो इसमें दोनों पक्षों में किस चीज़ की गुणा करनी है आप लोगों को, देखिएगा दोस्तों माइनस का आ गया ना एक, तो माइनस की गुणा कर दो कितना होगा m-n, ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का ही होगा प्लस का, तो m-n का मान कितना है दोस्तों 1। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा दोस्तों। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों देखिएगा 30वां क्वेश्चन, 2829वां क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल भी आर नहीं है, 2829 आपको करके देखना है, ये तो कमेंट करके बताना मैं समझाऊंगा। देखिएगा 30वां क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, गोली गिरफ्तार से इसकी गोली बना दो, देखिएगा कितना हुआ, 5 की पावर x+3 दिया हुआ है, इसको कर लीजिएगा, 5 की पावर x+3 दिया हुआ है दोस्तों, बराबर कितना हो गया, 5 25 से ये 5 की पावर 2 होती है, 5 की पावर 2 इंटू कितना हो गया 3x-4, देखते रहिए। तो देखिएगा दोस्तों कितना हो गया, इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 की पावर x+3 बराबर कितना होगा, 5 की पावर ये हो गया 3 × 6 और 3 2 × 8, ठीक है दोस्तों 2 × 8। ठीक है, तो आपको पता है जब आधार समान तो घात भी बराबर हो जाएगी, आधार बराबर है तो x+3 बराबर कितना होगा 6x-8, ठीक है दोस्तों, तो 5x बराबर कितना हो गया दोस्तों ये 8 × 3 11, ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिएगा आपको x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर कितना होगा बच्चों 11/5, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी गिरफ्तार से, देखिएगा दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां, इसकी रियल बना दीजिए कितना होगा, अगर हम देखिएगा दोस्तों 2 की पावर x+4 -2 की पावर x+2 बराबर 3 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इन्होंने बोला है, देखिए दोस्तों इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 2 की पावर x × x की पावर 4, ठीक है दोस्तों, -2 की पावर x × 2 की पावर 2 बराबर 3, ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसके रियल बना दीजिए, 2 की पावर x इसमें तो कॉमन ले दीजिए दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों कितना आया, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कुछ गलत हो गया है इसमें, यहाँ पर ये 2 है, ध्यान से देखना दोस्तों ये 2 है, तो कितना 2 की पावर 4 कितना होगी, 2 × 4 × 8 × 16 16 होगी दोस्तों, और -2 × 4, ठीक है दोस्तों, देखिएगा 3 बराबर में आगे चलिएगा कितना होगा, 2 की पावर x गुना कितना होगा, इसमें से गए कितना होगा 12 बराबर कितना आ गया 3, ठीक है दोस्तों, देखिएगा अभी आगे करते रहिए इसको गोली गिरफ्तार से, ठीक है दोस्तों, इसको इधर ले जाइएगा, देखिएगा 2 की पावर x बराबर कितना होगा 3/12, तो ये कितना होगा दोस्तों, देखिएगा काट पीट कर इसे कितना हो गया, 2 × 3 = 3, 3 × 12, तो कितना हो गया दोस्तों, देखिएगा 2 की पावर x बराबर कितना होगा 1 की पावर 2 की पावर 2 हो गया, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर x बराबर कितना हो गया दोस्तों, देखिएगा गोली गिरफ्तार से 2 की पावर -2, आपको पता है जब हमारा आधार समान है तो हमारी क्या होगी, घात भी बराबर हो सकती है, x बराबर कितना आएगा -2। तो दोस्तों वीडियो में उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें गोली बना दीजिए, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, इन्होंने जो 34वां क्वेश्चन दिया हुआ है देखिएगा आपको, इसके बाद 32वां और 33वां खुद करके देखना है, बहुत ही आसान है, आप उसकी रील बना दोगे, चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34वां। तो दोस्तों देखिएगा 34वां क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, इसको गोली गिरफ्तार से हल करिएगा, देखिएगा यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट में के अंदर 5+√ कितना हुआ है 3√x = 3 दिया हुआ है दोस्तों, इन्होंने क्या दिया हुआ है देखिएगा दोस्तों, 5+√x = 3, तो x का मान पूछ रहे हैं दोस्तों, तो आप इसके बना दीजिए गोली, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है देखिएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5+√x और यहाँ पर 3 है ये बराबर 3, ठीक है दोस्तों 3। तो दोस्तों देखिएगा इसको करिएगा गोली गिरफ्तार से, कैसे करना है आपको देखिएगा ध्यान से करिए दोस्तों, इधर कितना हो गया 9, ठीक है चलिएगा देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, कितना होगा 3√x बराबर इधर कितना हो गया 9 में से 5 गया 4, ठीक है दोस्तों अब देखिएगा आगे से ध्यान से कैसे करना है दोस्तों, देखिएगा हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है हमें दोनों पक्षों का, घन करने पर देखिएगा दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर कितना हो गया x बराबर, यहाँ पर कितना हो गया इसका भी घन करेंगे कितना होगा 4 × 16 = 64, तो दोस्तों x का मान आ गया हमारा 64। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें, चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां, देखिएगा इसको करिएगा गोली की रफ्तार से, टेंशन नहीं लेने का, चलिएगा क्या दिया हुआ है इन्होंने, a/b की पावर x-1 बराबर b/a की पावर x-3, तो इन्होंने कहा x का मान ज्ञात करो दोस्तों, कर दीजिए गोली की रफ्तार से इसको, रियल बनाकर रख दीजिए 2 मिनट में, देखिएगा आपको कैसे करना है दोस्तों,
करिएगा इसका पूरी रफ्तार से। तो दोस्तों हमें कैसे लिख सकते हैं इसको देखिएगा दोस्तों, इन्होंने दिया हुआ है बटा बी, ठीक है, और एक्स माइनस वन दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं इसको सही करके लिखूँ दोस्तों, देखिएगा आप भी ध्यान से कितना है ये बी बटा ए, अगर मैं ये बटा बी करूँ दोस्तों तो ये कैसे हो जाता है पता है, इसका चिन्ह पलट जाएगा ऊपर वाले का, ये प्लस का ये माइनस का, ऐसे हो जाएगा तीन माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है जब हमारा आधार समान तो घात बराबर एक्स माइनस वन बराबर कितना हो गया तीन माइनस एक्स, तो दोस्तों इसे इधर लिया टू एक्स बराबर कितना आ गया फोर, तो दोस्तों इसे काट डालो इसको कितना होगा एक्स बराबर कितना है दोस्तों दो, तो एक्स का मान कितना है दोस्तों आपको पता चल गया है दो, तो यही आपका आंसर है दोस्तों, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं पूरी गोली गिरफ्तार से। तो दोस्तों देखिए गोली की रफ्तार से 36वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया, यदि एक्स बराबर वाई की पावर है, वाई बराबर जेड की पावर बी तथा जेड बराबर एक्स की पावर सी, तो ए बी सी का मान है क्या होगा बताना है आपको दोस्तों। देखिएगा कैसे करना है आपको पूरी रफ्तार से, इन्होंने दिया हुआ है एक्स, एक्स का मान कितना दिया हुआ है एक्स बराबर दिया हुआ है दोस्तों ना वाई की पावर ए, और वाई का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों जेड की पावर बी, और एक और देखिए दोस्तों जेड का मान क्या दिया हुआ है एक्स की पावर सी, तो दोस्तों आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये अगर आप बात समझ तो गोली बना दोगे इस क्वेश्चन की, जो वाई का मान है दोस्तों, जो वाई का मान है आपको देखिए दोस्तों वाई के, वाई का मान यहाँ पर रखने पर कैसे होता है देखिएगा से ध्यान से, फिर इसकी गोली बना दीजिए एक्स बराबर वाई का मान कितना है जेड की पावर बी, जेड की पावर बी इसमें रख दिया इसका मान, और इसकी पावर है पहले से ही ए दोस्तों। देखिएगा आप, आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा एक लाइन और, आपको जेड का मान पता है एक्स की पावर सी, तो उसको भी इसमें रख दीजिए, मतलब मैं चिन्ह से प्रदर्शित कर देता हूँ जिससे बिल्कुल समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा ये जो जेड का मान है ये यहाँ पर रख दीजिए, तो रख दीजिए दोस्तों देर किस बात की, चलिएगा गोली गिरफ्तार से कितना हो गया एक्स की पावर सी इंटू घात की घात में कौन होती है कितनी होगी ए बी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा तो एक्स बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर ए बी सी, ठीक है दोस्तों। इसका मान क्या होता है एक होता है, तुम्हें पता है जब दोस्तों आधार समान है तो हमारी घात भी बराबर होती है, तो कितना हो गया ए बी सी बराबर कितना लिख सकते हैं दोस्तों एक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा, यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखिएगा हो गया ना गोली गिरफ्तार से अच्छी समझ आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए दोस्तों फर्राटेदार स्पीड से देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 37वां क्वेश्चन की रियल बना दीजिए दोस्तों। देखिएगा कैसे करना है, यदि एक्स की पावर ए बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर के ओ जेड हो तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो, तो वाई बराबर क्या होगा बताइए दीजिएगा दोस्तों, कैसे करना है देखिएगा आपको ध्यान से। आपको क्या करना है इसमें, आपको पता है जब कोई इस प्रकार से दी हुई हो ए की पावर एक्स, ठीक है दोस्तों, बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड दी हो, तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लेते हैं जैसे हमने मान ली के, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अब हमें क्या करना है, अलग अलग के बराबर मान लेना है, कैसे करना है देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा हल्का इसलिए समझाऊंगा जिससे कि आपकी समझ में आए कोई प्रॉब्लम ना हो। ए की पावर एक्स बराबर अगर हम के मानेंगे तो यहाँ से क्या करना है, के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों ए की पावर एक बटा एक्स, ठीक है दोस्तों, वो सॉरी गलती होगी, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों ए बराबर कितना आ जाएगा के की पावर एक बटा एक्स। इसी प्रकार अगर हम इसे करेंगे बी की वाई बराबर के, तो बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, पता है बी का मान कितना आ जाएगा के की पावर एक बटा वाई। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे सी की पावर जेड का मान बराबर के हो, तो आपको क्या आ जाएगा सी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, सी का मान आ जाएगा आपका गोली की रफ्तार से एक बटा जेड, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने कहा है व्यंजक दिया हुआ है, इन्होंने एक व्यंजक दिया हुआ है बी स्क्वायर, ठीक है, अरे यार ये व्यंजक का भी गोल मटोल हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया हुआ है दोस्तों, इसके मान यहाँ पर टेक दीजिए रख दीजिए, मतलब देखिएगा इसमें रखिए कितना आया बी का मान कितना है के की पावर एक बटा वाई का स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है दोस्तों, देखिएगा ए का मान कितना है के की पावर एक बटा एक्स, के की पावर एक बटा एक्स इंटू इसका मान कितना है सी का के की पावर एक बटा जेड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है देखिएगा ध्यान से, कैसे करना है आपको इसको करना है, हमको यहाँ से देखना दोस्तों के की पावर टू बटा वाई होगा, ये तो इधर ये कितना होगा के की पावर एक बटा एक्स और प्लस एक बटा जेड, आप ये कर सकते हो इसको देखिएगा दोस्तों। अब आपको कैसे करना है इसकी रियल बना दीजिए, देखिएगा जब हमारी आधार समान तो घात भी बराबर हो जाएगी दोस्तों, देखिएगा टू की टू बटे वाई बराबर एक बटा एक्स प्लस एक बटा जेड, ठीक है दोस्तों। देखिएगा आपको कैसे करना है, करते रहिए इसकी रियल बनाने वाले। अब हम टू की पावर वाई तो झुका तो बराबर कितना होगा एक्स जेड और कितना होगा एक्स प्लस जेड। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है आपसे, ये बिल्कुल आपने पहले शुरू में क्वेश्चन में पढ़ा, इन्होंने वाई का मान पूछा है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वाई बराबर कितना हो जाएगा टू, ये उल्टा पलट जाएगा टू एक्स जेड बटा कितना होगा एक्स प्लस जेड। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे समझ आएगा वो ना गोली की रफ्तार से दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों देखिएगा आपको 37 के बाद में 38, 39, 40, 41, बिल्कुल नहीं नहीं 40 हुआ तो मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको 37, 38, 39 क्वेश्चन अपने आप करके देखना, बिल्कुल गोली बना दोगे उनकी, रेल बना दोगे दोस्तों। नहीं होता कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा दोस्तों। आप कमेंट करके बताते नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन बताना चाहिए ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम एक एक सवाल हो जाए। तो दोस्तों चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को कितना करना है आपको, 38, 39 आपको खुद करके देखना है, 40 में समझा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझ रहिएगा दोस्तों, देखिएगा इसकी गोली बना दीजिए, देखिएगा दोस्तों, चलिएगा गोली रफ्तार से। ये क्या दिया हुआ है 40 में क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 2 की पावर a + 3 की पावर b = 17, तो 2 की पावर a + 2 - 3 की पावर b + 1 = 5 होता है। ए तथा बी के मान क्रम से क्या क्या होंगे दोस्तों, आपको क्या करना है देखिएगा दोस्तों। इन्होंने दिया हुआ है 2 की पावर a + 3 की पावर b = कितना दिया हुआ है इन्होंने, 17, ठीक है दोस्तों, मुझे पता है इन्होंने दिया हुआ है मान। और इधर इन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 2 की पावर a + 2, अगर हम इसको अलग अलग ले लें दोस्तों, 2 की पावर a * 2 की पावर 2, ठीक है, और प्लस इन्होंने तो माइनस दिया हुआ है दोस्तों, -3 की पावर b * 3 की पावर 1 = कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, आपको इसमें देखना है यहाँ से बच्चों, यही समझने की बात है, जो 2 की पावर a है ना, और यहाँ पर 3 की पावर b, ठीक है, इसको तो मान लीजिए दोस्तों आप, जो 2 की पावर a है इसको तो मान लीजिए कुछ देर को x, और इसको मान लीजिए दोस्तों कुछ देर के लिए y, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको गोली गिरफ्तार से कर देना है, देखिएगा अब आपको कैसे करना है, ये क्या बन गया आपके लिए, देखिएगा दोस्तों ये हो गया, देखिएगा 2 का वर्ग कितना हो गया, 4x - y, ठीक है, 4x - 3y, इसे दोबारा लिख लीजिए दोस्तों, 4x - 3y = कितना आएगा दोस्तों, 5, ठीक है। और आपको अभी ऊपर भी पता है 2 की पावर a + 3 की पावर b = 17 दिया हुआ है, तो दोस्तों हम उसको क्या करेंगे देखिएगा, उसको करेंगे हम x, ठीक है, और प्लस 3y, ठीक है दोस्तों, देखिएगा x प्लस कितना दिया हुआ है और कितना होगा y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 17 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब हमें समीकरण हल करनी है, इनको थोड़ा डिसबैलेंस हो रही है, इनको बैलेंस कर लीजिए दोस्तों, देखिएगा कैसे करनी है आपको, ये करनी है बैलेंस, इसको 3 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, इसकी 3 किस में गुणा हो जाएगी, 3 किस में, ठीक है दोस्तों। तो आपको सेम क्या दिख रहा है, जोड़ने पर देखिए क्या होता है, इससे 1 8 डालो तो नीचे कितना बचा दोस्तों, देखिएगा कितना बचा, लिख दीजिए 7x = कितना, 17 51 और 5 56, मतलब 56, तो इसको काट डालो दोस्तों, जो कटता है इसको नहीं छोड़ने का, 57 56, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 8, ठीक है दोस्तों। और अब y का मान निकाल दीजिए उसमें, वीडियो में उसमें रखकर जो समीकरण आई थी x, ये जो उनसे समीकरण अभी बनाई थी x + y = 17, इसमें रखकर x का मान देखेगा, y का मान निकाल दीजिए दोस्तों, कितना बचा, 17 में से 8 गए, कितना बच गए दोस्तों, यहाँ पर बचे 9, y का मान कितना आ गया आपका 9। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल एंड में आ चुका है, अब आप उसकी गोली बनानी है, देखिएगा x का मान क्या मानना था अपना, 2 की पावर a = ये कितना था, 8, ठीक है, एक तरफ इसको ले लीजिए दोस्तों, ये कितना मानना था, 3 की पावर b = कितना लिया था, 9, ठीक है, कितना आया 9, करिएगा दोस्तों इसको गोली रफ्तार से, 2 की पावर a = 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर देखिएगा 3 की पावर b = ये कितना होता है, 3 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। देखिएगा जब हमारे आधार समान तो हमारी घात बराबर, a का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा, a का मान आ गया हमारा 3, ठीक है, और b का मान कितना आ गया हमारा 2। दोस्तों देखिएगा उसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है हमें, ए और b के मान बताने हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आए होंगे दोस्तों। तो ये हमारे मान है 3 और 2, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गोली की रफ्तार से। तो दोस्तों अब आपको 41 और 42 ये क्वेश्चन दोनों करके देखने दोस्तों, गोली की रफ्तार से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी तो कमेंट करके बताना, मैं समझाऊंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिएगा दोस्तों 43वां क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, चलिएगा दोस्तों इसकी गोली बना दिए, देखिए क्या हुआ है, √3 और 3√3 तथा 4√4 में ऐसे सबसे बड़ी एक संख्या कौन सी है, ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको, देखिएगा मैं इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, अभी ध्यान से समझना, देखिएगा क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे जो खाली अंडर रूट है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है दोस्तों, तो √2 हो गया, ये कितना होगा 3√3, ये कितना होगा 4√4, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान से देखना यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, इन्होंने जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ये जो संख्याएँ दी हुई है, आपको क्या करना है, इन्हीं संख्याओं का 2, 3 और 4 का एलसीएम ले देना है, कितना है एलसीएम, इनका एलसीएम आया बच्चों 12, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसे हल करनी है आप देखिए, वो गोली की रफ्तार से करते हैं, देखिएगा हमारी जो 2 है इसकी पावर कितनी आया, 1/2, इसके एलसीएम किस में गुणा कर डालो, कितना है हमारा एलसीएम 12, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, देखिएगा कितना हुआ, इसको काट डालो या पहले लिख लो दोस्तों, फिर बाद में काटते चले जाएँगे, देखिएगा यहाँ पर कितना आया दोस्तों, देखिएगा इन्होंने यहाँ कितना दिया हुआ है 3√3, तो यहाँ पर देखिएगा इसको 3 की पावर 1/3 और गुणा 12, ठीक है। अब चलिएगा आगे देखते हैं कैसे करना है आपको, देखिएगा इन्होंने क्या दिया 4√4, तो 4 की पावर कितना होगा 1/4
12। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनको काट डालना है। देखिए कितना हुआ, काट डालो, 4 दिया 12, तो कितना हो गया बच्चों, 4 की पावर 3, ये कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, अब ये देखिए इसका 3 से 12 काट डालो, 3 चौके 12, तो 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर होगी बच्चों 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 से काट डालो, 2 छक्के 12, तो कितना आ गया, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है बताइएगा दोस्तों, गोली रफ्तार से ये होता है दोस्तों 32, मतलब 32। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या नजर आई है दोस्तों बताइएगा, बताया सबसे बड़ी कितनी आ गई, 81, और यह किससे बनी हुई है, 3√3, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3√3, सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी बच्चों, ये होगी √2, इसमें होगी √2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ रही होगी दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर कोई नया भाई है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है यहाँ पर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देखेगा और आपसे कुछ सीखेगा दोस्तों, तो हम ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चन लाते हैं, चलिएगा मेरी अगर नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखना दोस्तों, चलिएगा और हमारे चैनल की वीडियो बराबर देखते रहिएगा दोस्तों, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, पूरा सगा पूरा अरे सक्कर वाइस में ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिएगा, कोई गिरफ्तार से बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, बाय बाय टाटा।